नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। औरंगाबाद का मॉडल सरकारी अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, जहां अस्पताल की लापरवाही उजागर की गई है। मेल वार्ड में भर्ती मरीज 75 वर्षीय शिवकिनकर प्रसाद सिंह को एक्सपायरी ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दिया गया है, जिससे मरीज की मौत हो गई है। मृतक देव थाना के देव का निवासी था। सदर अस्पताल में लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है। अक्सर ऐसी लापरवाही अस्पताल में होती रहती है, चाहे वो नवजात शिशु की हो या फिर एम्बुलेंस नहीं मिलने का या फर्श पर मरीज का इलाज। इस बार तो हद ही हो गई, जब मेल वार्ड में भर्ती मरीज को एक्सपायरी ग्लूकोज सितंबर 2023 की बोतल चढ़ा दी गई। परिजनों ने वार्ड में ड्यूटी नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रबंधक हेमंत राजन ने बताया कि मरीज गैस पी में आया था और नर्स के द्वारा बिना देखे एक्सपायरी डेट वाली पानी चढ़ा दी गई है, जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पानी की एक्सपायरी तिथि 30 सितंबर 2023 थी और आज उसे चढ़ाया गया था। हालांकि चिकित्सक के अनुसार इस पानी से मरीज के स्वास्थ्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा होगा, लेकिन लापरवाही बरती गई है, इसकी जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले को लेकर विपक्ष भी हमलावर हो गए हैं और भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल कुमार सिंह ने कहा कि अंधेरी नगरी चौपट राजा का एक और उदाहरण है। जब राजद का पहला 15 साल का शासनकाल था, तब उस समय अस्पताल में कुत्ते सोते थे। यह सुनी हुई बात नहीं, आंखों से देखा मैं बोल रहा हूँ। वैसे उसके बाद अस्पताल में थोड़ा बहुत जरूर सुधार हुआ था। यह जो एक्सपायरी पानी अभी शुरुआत है, इसके बाद सरकारी अस्पताल में लोग जाना छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहारवासी बेबसी की मौत मरने को मजबूर हैं, इसका यह जलवंत उदाहरण है। उसे क्या हुआ फिर? उसे डेथ कर गए। मरीज जो मेरे थे डेथ कर गए। इसी का इलाज करा रहे थे। ये डिहाइड्रेशन का इलाज चल रहा था इनका, जो पल्स वल्स भी थोड़ा कम हो गया था और वो पानी चढ़ाए जिसका एक्सपायरी डेट है 9/2023। कब लाए थे हॉस्पिटल? हॉस्पिटल लाए लगभग पौने सात में लाए थे। आज? आज। अच्छा, हॉस्पिटल सप्लाई है 26 का। पानी लगाए तो पानी लगा, उसके बाद डेट करके तुरंत अपना। सदर अस्पताल में एक्सपायरी पानी चढ़ाने से एक वृद्ध की मौत हो गई है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा का एक और उदाहरण है। आपको मैं बता दूं कि जब राजद का पहला 15 साल का शासन काल था, उस समय हॉस्पिटल में कुत्ते सोते थे। वो हम लोग का देखा हुआ, सुनी हुई बात नहीं, देखा हुआ है। अब उसके बाद फिर अस्पताल में ढेर सारा सुधार हुआ था। अब एक्सपायरी पानी अभी शुरुआत है, इसके बाद सरकारी अस्पताल में लोग जाना छोड़ देंगे। डॉक्टरों का जो अपहरण काल था, उसके बाद अब रात में क्लिनिक जो बंद होने का पद्धति बिहार में चालू हुआ, वापस अभी तक नहीं शुरू हुआ है। रात में कोई क्लिनिक नहीं खुला रहता है। यहाँ के लोगों को, बिहार के लोगों को राजद के शासन काल में एकदम सीरिया और पूर्व के अफगानिस्तान जैसा हालत होने वाला है। ये राक्षसी राज है। ये जो तेजू भैया हेल्थ मिनिस्टर बने हैं, जब एक लाइन माइन के गलती पर लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग इस्तीफा देते हैं, तो ऐसे ऐसे अस्पताल के जो दुर्घटना है, उस पर मैं उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दीजिए। वैसे मैं पूरी तरह से जानता हूं कि वो निर्लज के प्रकाष्ठा और उदाहरण है, निर्लजता के प्रतीक है, वो नहीं देंगे। इस शासन व्यवस्था में बेबसी की मौत मरने को बिहारवासी मजबूर है। वहीं इस बारे में जब सिविल सर्जन डॉक्टर रवि भूषण श्रीवास्तव से बात की गई, तो उन्होंने अभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि आपसे ही यह जानकारी मिल रही है। एक्सपायरी सलाइन चढ़ाने के बाद जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कैसा संभव नहीं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में यह बात आप मुझे बता रहे हैं, तो मैं इसकी जाँच करवा रहा हूँ। जो भी दोषी इसमें होंगे, उन पर निश्चित ही उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मालूम हुआ है कि एक वृद्ध आए थे जो काफ़ी गंभीर अवस्था में थे, गैस्ट्रिक कंडीशन में थे, और उपचार के दौरान जब वो उपचार रत थे, उस दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। इतना ही अभी हमको इन्फॉर्मेशन मिली। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो पानी स्लाइन चढ़ाया गया, वो एक्सपायरी डेट की थी।
सामान्यतया ऐसा होने की संभावना 9 के बराबर है, लेकिन क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये बात हमें आप बता रहे हैं, तो मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ और जो भी दोषी इसमें होंगे उन पे उचित कार्रवाई की। सर, ये कहीं ना कहीं तो लापरवाही से, अगर ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो किसी न किसी की लापरवाही से ऐसा हुआ है कि जो स्लाइन चढ़ा रहे थे उन्हें तो कम से कम डेट देखना चाहिए था। मैं जांच करा लेता हूँ। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।